दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में हुए नरसंहार से जुड़ी तमाम अपडेट समाप्त तक लगातार पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि पिछले 4 अगस्त को छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में गोली मारकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने छबीलापुर थाने में 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया था। FIR दर्ज होने के बाद राजगीर DSP सोमनाथ प्रसाद के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया और यह SIT टीम अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। लगातार छापेमारी के क्रम में पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया और बढ़ती पुलिस दबिश के बाद कुछ अभियुक्तों ने न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण किया। इसी बीच बड़ी खबर इसी घटना से संबंधित आ रही है। हम आपको बताते चले कि आज बढ़ती पुलिस दबिश के कारण घटना के 3 नामजद अभियुक्तों ने न्यायालय में समर्पण किया, जिसमें एक अभियुक्त ने किशोर होने का बचाव लेते हुए JJB में अपना आत्मसमर्पण किया है। दरअसल आपको बताते चले कि इस मामले में आत्मसमर्पण करने वाले में लोदीपुर गांव निवासी महेंद्र यादव का पुत्र लालू यादव, जबकि करमू बिघा गांव निवासी जगदीश यादव का पुत्र कृष्णा यादव शामिल है, जबकि तीसरा जो किशोर अभियुक्त है वो सतीश यादव उर्फ गुड्डी यादव का पुत्र है, जिसने किशोर होने का बचाव लिया है और नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद में अपना आत्मसमर्पण किया है। दरअसल आपको बताते चले कि घटना के बाद लगातार पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और बढ़ती पुलिस दबिश के कारण अब तक इस मामले में कुल 12 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।